हाँ भाई आ रहे हैं, रुकिए। हेलो। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, आप हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। कितने का बजट? दंगे, फसाद, हिंसा, ये शिक्षा है ही नहीं हमारी। प्यार, मोहब्बत, अमल, भाईचारा की बात कर रहा हूँ, तभी आप फोन कीजिएगा ना। और ये आप फालतू की डिबेट बंद करवाइए ना, देश में दंगे फसाद फैलते हैं उससे। ये दंगे फसाद फैलाना बंद कीजिए। आप जिन लोगों को बुला रहे हैं उनको ना इस्लाम का ज्ञान है ना हिंदुत्व का ज्ञान है, केवल उल जलूल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए। वो कौन मौलाना है जो बैठा है, वो कौन पंडित है जिन लोगों को आप बुला रहे हैं, टीवी में डिबेट करा रहे, देश का माहौल खराब कर रहे हैं? ये बंद कीजिए। सनातन धर्म शिक्षा देता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। किसी को कष्ट नहीं देना, सबके सुख की कामना करना है। नाना एक बात सुन लीजिए, इस्लाम की जहां तक बात है ना, तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में, कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। मेरा यही पैगाम है, बाकी मैं आप लोग से ही गुजारिश करूंगा कि अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। ये टीवी चैनल में उल जलूल लोगों को बुलाकर डिबेट करवा के देश का माहौल खराब करना बंद कीजिए। सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, हम यही दुआ करते हैं। शुक्रिया। कोई पॉजिटिव बात हो तभी फ़ोन करना हो दोबारा। धन्यवाद।